एंड हेलो एवरीवन ने किया इस बार. ओके हेलो एवरीवन, मैं मौजम और ये ईमान. यस, और आज हम आए हैं बारिशाही. नहीं, बेसिकली मैं पहले बताना चाहूँगी, ये हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं. हाँ. और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको लाहौर दिखाएं. आपकी क्लासेस देख मुझे याद है, मैं भी क्लासेस भूल रहे थे. नहीं पता कर, मैं याद नहीं दिखा. अच्छा, तो कोई बात लाइक, हाँ तो अभी हम लोग आए हैं, मतलब मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ और हमने इससे पहले भी यहाँ पे ब्लॉग किया है, लेकिन वो हमने नहीं, मैंने किया. अच्छा, वो बहुत पुराने टाइम में था, वो तो किसी ने देखा नहीं होगा. हां, 1920 में आए थे मियां भी, है ना. एनीवे, मतलब अभी हम हैं मीनार पाकिस्तान में. हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा वो वर्ल्ड सिटी दिखा सकें. मीनार पाकिस्तान है, फिर इसके साथ ही शाही फोर्ट है, जो कि हम लोगों ने लाल किला देखा था, तो हमने शाही फोर्ट की बहुत ज्यादा उसके साथ रिजेंबलेंस लगी थी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से है. उसके बाद बादशाही मस्जिद है बिल्कुल साथ में, और फिर उसके बाद फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट भी हम आपको दिखाएंगे. और रंजीत सिंह की जो है वो भी है यहाँ पे, मड़ी कहते हैं उसे, मड़ी बोलते हैं. और लेकिन उसके अंदर हम लोगों को जाना अलाउ नहीं होगा. अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपको अलाउ क्यों नहीं है जाना स्पेशल. ये वैसे मुझे नहीं पता. नहीं, इन्हें बता तो मैं कुछ कह नहीं पहले बता. ऐसा होता था लाइक, मैं अंदर गई हूँ पहले, आपको इजीली परमिशन मिल जाती होती थी. अब पता ना हम लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया, जाने नहीं देते कहीं पर भी. अगर कहते हैं परमिशन लेके आओ, परमिशन लेके जाओ, वहाँ से परमिशन लेके आओ, फिर आपको जाने देंगे. एग्जैक्टली. तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, शायद हम लोगों को हाँ देंगे, हम दिखाना चाहते हैं. हाँ प्लीज, हाँ हम लोग दिखा दे. तो अभी हम जा रहे हैं शाही किला, थोड़े से शॉर्ट्स वहाँ के दिखाएंगे आपको, फिर उसके साथ ही. वैसे एक बात बताऊँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. नहीं, आपने ग्लासेस लगाई, इसलिए प्यारी लग रही है. इसको मतलब उतारने नहीं चाहिए. तो चलिए फिर चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं लाहौर. तो ब्लॉग वन, सो लेट्स गो. एक साइड पे, हाँ कि एक साइड पर बैठने में लाइक, हमारे पीछे अगर हम थोड़ा सा करके दिखाएं तो ऊंचा. तो ये वैसे ही है जैसा वो, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में, जैसे हमने वीरजारा मूवी में देखा है, वीरजारा. हाँ, वीरजारा में एक सॉन्ग में शॉट होता है वैसे, उसमें देखा हुआ है. फिर वो एक जो दीपिका कहने को जश्न बहारा है वाली फिल्म, उसमें तो डेफिनेटली होगा. फिर एक और मूवी थी दीपिका की, और वो वाली बाजीराव मस्तानी तो नहीं, बाजारी दोनों ने सैफ अली खान के साथ. हाँ, उसमें भी जो एंजेला शॉट होता है ना, वो भी इस तरह का होता है. मैंने मुझे वेल हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोगों ने जो किले के साथ ही गुरुद्वारा है, वहाँ पर हम लोगों ने उनसे बात की, हमने पूछा एक हमारे माइंड में चीज़ थी कि हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता. तो हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो रेनोवेशन स्टार्ट है, 6 महीने लगेंगे, उसके बाद आप आएँ, हम आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे. अंदर बहुत सारी हिंदू फैमिलीज और बहुत सारी सिख फैमिलीज रह रही थी, मतलब कि बहुत सारे लोग अंदर से निकल रहे थे. तो हम लोगों ने पूछा कि वो फिर लोग क्यों निकल रहे हैं, वो क्यों विजिट कर रहे हैं अगर हम नहीं कर सकते. तो फिर उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि वो लोग इंडिया से आए हैं और उन लोगों की रिहाइश यहाँ पर है, इस वजह से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं. और दूसरा, हमारे साथ आज शाही किले में एंटर हुए एक कोइंसिडेंस भी हुआ. हाँ, तो एक लेडी थी, उन्होंने सिंदूर लगाया था, तो मुझे लगा रहा है इंडियन है, तो मैंने कहा चलो इनसे बात करते, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो हमें बोलते हैं वहाँ पर कोई हिंदू नजर नहीं आता, कोई मुस्लिम. वो लोग बेसिकली अहमदाबाद से आए थे, हैदराबाद से. हाँ, लास्ट टाइम अहमदाबाद पर हम लोगों ने रिएक्शन किया था ना, तो इस वजह से अहमदाबाद में भी हमारे
हमारे साथ हैं हमारी एक फ्रेंड है आप कह लें लाइक इंडिया से आए हैं ये लोग, हैदराबाद से आए हैं आप लोग, और कब से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 15 दिन हो गए हैं इधर, इधर हमारे 15 दिन। तो आप यहाँ पर क्या विजिट करने आए हैं? घूमने के लिए, पाकिस्तान घूमने के लिए या मतलब अपनी स्पेशल जो आप लोगों की इबादत की जगह है वो देखने के लिए आए? अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पर कहाँ पर स्टे किया हुआ है? गुरुद्वारे में किया। ओके, फिर जाएंगे सिंध पे। हमारे कोई नहीं लग रहा है, हैदराबाद से आए थे और बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा लगा मिलकर, और बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ डिफरेंट है या मतलब एक दूसरे से हम मुख्तलिफ लोग हैं। और लिटरली जब ये उनका इंटरव्यू कर रही थी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज लेडी वॉज वेरी सिंपल, आई मीन उनको फैमिली पूरी बहुत सिंपल, हाँ बहुत सिंपल लोग थे, आपको आपको बात करने पता चलता है मतलब यू नो, लेकिन पर्सनल हमारे इंटरेक्शन हुआ था, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और हमारे मन में तो लड्डू फूट रहे थे, हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई एम प्लानिंग के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर भी हम लोगों को अगर 6 months के बाद भी परमिशन मिलती है तो डेफिनेटली नहीं, कोशिश करेंगे कि हमें लाजमी परमिशन मिले, हम ऑफिशियली जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले दी है कि किस तरीके से हम लोग विजिट कर सकते हैं। तो बाकी आपको शाही किला घुमा रहे हैं और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे, और यहाँ पे चीज़ें तो हम आपको यानी कि बिल्डिंग्स जितनी भी बनी है वो सारी हम दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे म्यूजियम वगैरह वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम किसी ना किसी तरह तस्वीरें ही कैप्चर कर लें आपके लिए। पानी की बोतल पकड़ के, पानी की बोतल पकड़ी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फाउंटेन हैं, और अभी हम स्लोली स्लोली अहाता जहांगीरी की तरफ जा रहे हैं। आई मीन मुझे ऑनेस्टली नहीं पता भाई अहाता क्या बोल, आई थिंक हिस्सा होता है, मे बी पार्ट हो, लेकिन लेकिन ये पीछे जो है ये जहांगीर, लो कैमरा इधर चला गया लेकिन हाँ, लेकिन ये पीछे जो है ये जहांगीर की ख्वाबगाह है, और जहाँ पर वो सोता था उसका बेडरूम भी है, और इसके अंदर एक म्यूजियम भी है, और ये वाला जो एरिया यहाँ पर फाउंटेन चलते थे जैसे हम लोगों ने लाल किला में भी देखा था, रिमेम्बर? मे भी हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है बीच में बादशाह बैठता हो, हाँ मुझे लगता है बादशाह वहाँ पर बैठता होगा और फाउंटेन जैसे ऊपर आते होंगे, मे भी कभी कभी स्विमिंग भी कर लेता हो, स्विमिंग भी करता हो। कहाँ गई अभी हम लोग हैं मतलब कहाँ जहांगीरी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, मैंने इन्हें कहा आप क्या अकेले अकेले घूम रही है, मैंने कहा चल तू आ जाने, मैं कहा इकट्ठी आते हैं, यहाँ पर फाउंटेन चला करते थे और मेरे ख्याल में अभी भी आसार मौजूद है, देखिए पानी पड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा, देखिए जाने नहीं दिया जाता, मुझे लगता है वहाँ पर ना वो होता होगा, कौन होता होगा, फाउंटेन ही है, मुझे लगा कि शायद वहाँ पर बैठ के कुछ म्यूजिक वगैरह का सीन होगा, यार काफी रोमांटिक लगता है वो एक गाना था पाकिस्तान का सुप्रीम का, इश्क मोहब्बत अपनापन, उसमें इसके शॉट लिए, हाँ ये इश्क मोहब्बत नो डाउट बहुत अच्छा था, अनारकली सलीम पे बनाया गया, हाँ सही है। अभी हम मेरे ख्याल में जहाँ पर जा रहे हैं या तो ये म्यूजियम है या फिर ये म्यूजियम है जो बंद हो चुका है इस टाइम, या फिर ये बंद हो चुका है, हाँ जी क्यों, टाइम खत्म हो चुका है, ओ नो, तो फिर बेडरूम कहाँ पर है जहांगीर का, वो म्यूजियम के अंदर ही था, उसको म्यूजियम बना दिया, पैसे भी तो कमाने थे ना, आई थॉट कि अलग से तुझे
मुझे हृदय खुलता भी नहीं होगा यार। नहीं खुलता है, बंद किया हुआ है वैसे, मुझे लगता है बाकी मुकम्मल ही बंद करती है। अच्छा बहुत टाइम पहले जब हम बहुत छोटे होते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तब ये सारी चीजें खुली होती थी, लेकिन जब से हम बड़े हुए पता नहीं इनको पसंद नहीं आया कि हम लोगों ने मतलब हम कुछ देख सके। हाँ तो इसलिए हमने सब कुछ बंद कर दिया सब कुछ। हाँ तो चलिए आइए जरा बात करते हैं किसी से। अच्छा तो अहाता किसको बोलते हैं? ये खाबगा सारा उसका अपना घर था और बाकी दूसरी साइड पर से गेस्ट रहते थे। ये फौज के गेस्ट थे, फौज के लोग मेहमान, फौज के साथ। अच्छा ठीक। और अभी भी वो सामने खड़क सिंह की अभी था, वो ऊपर खड़क सिंह की। खड़क सिंह था, खड़क सिंह कौन था? वो सिख था। नहीं मतलब कि जैसे ये यहाँ पर जहांगीर रहता था। हाँ। तो खड़क सिंह की बाद में ये सारे आए हैं ना। हाँ जी, उन्होंने बकरा बकरा अपना स्थान। अभी हमने शाही हमाम में जहाँ पर जहांगीर बादशाह या दूसरे बादशाह या जिन्होंने बाद में कब्जे किए वो यहाँ पे नहाने आते थे। बीच में देखिए अभी भी आसार हैं पानी के और साथ में वो स्मोकिंग सिगरेट सिगरेट भी करते थे। मुझे नजर आ रहा है वो स्मोकिंग भी करते थे, बिस्किट भी खाते थे, टॉफियां भी खाते थे, पान मसाला आई मीन पानी के निकास के लिए भी जगह बनाया हुआ। पता नहीं अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है अंदर का इस जगह को तो बंद कर दिया हुआ है, जेल बना दिया हुआ है, लेकिन ये भी हमाम है शायद, यहाँ पर गर्म पानी से नहाते हूँ पता नहीं, पर ये भी हमाम टाइप ही है। और एक और जगह भी यहाँ पर कपड़े बदलते होंगे। हाँ हो सकता है यहाँ से कपड़े बदल के यहाँ पर जकूजी में आएंगे नहाएंगे। नहीं ना यहाँ पे नहाते होंगे ना गर्मियों में और अंदर नहाते होंगे सर्दियों में। यस यू आर राइट, हो सकता है। चलो हम आ चुके हैं शीश महल में और जिसके अंदर हमें बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं है। नहीं क्योंकि ये रेनोवेट हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है, हमारे बचपन से ही हो रहा है, हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन ये इसकी रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हुई और लगता है नहीं है कहाँ तक कहाँ चलेगा। लेकिन यहाँ पर अंदर आने के बाद में एक चीज़ जो पता चली है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है वो ये कि ये जो शीश महल है ये किसका था दरबार, जो मतलब बाहर गेट पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये शाहजहां का था, और जो लोगों के यहाँ पे गाइड्स हैं उनके मुताबिक जो ये अकबर का था। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, लेकिन जिसका भी था बहुत प्यारा है। हाँ। थोड़ा बहुत व्यू इसका हमें मिल ही जाएगा। और अब हम आपको जो दूसरी बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं गाइड, वो बिल्डिंग दिखाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी उस टाइम का बादशाह था, जो चाहे वो शाहजहां था या अकबर था ना, दोनों में से जो भी था, मतलब आप प्लीज जरा बता दो शाहजहां और अकबर का क्या आपस में रिलेशन। उन्हें पता चलेगा शाहजहां जो था वो पोता था, अकबर जो था वो दादा था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बनाया था अपने लिए, ठीक है, और साइड पर उनके रूम्स है। और इसके बाद जो है यहाँ पे बाद में जब सिखों की हुकूमत आई तो उसके बाद यहाँ पे रणजीत सिंह जो है उनका रहा, और ये शायद पीछे आपको नजर आ रहा होगा भगवानों की जो है थोड़ी बहुत रणजीत सिंह की। हाँ इतने इस साइड पे। हाँ जब रणजीत सिंह का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नक्श नगारी कराई थी जिसमें बाहर लिखा हुआ था कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके उनकी जो है नक्श नगारी कराई गई थी। हाँ फिर इसके बाद जो इसके साथ वाला रूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो उस टाइम पर भी कितनी एडवांस होती थी औरतें, एडवांस का कितना शौक था। हाँ मेकअप गाई देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे मुमताज का ब्यूटी पार्लर। अरे पूरा नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर। ये था मुमताज का ब्यूटी पार्लर और यहाँ पे वो अपना नाव सिंगार करती थी ताकि बादशाह किसी दूसरी औरत की दर्शन देखे, लेकिन वो फिर भी पॉसिबल नहीं है, बादशाह बहुत आयाश थे, उन्होंने पता नहीं कितनी औरतों की जरूरत थी। सही बात है। फिर उसके बाद ये आगे नौलखा महल कहते हैं, ये भी गाइड के मुताबिक 9 लाख रुपए में शहजादी के लिए बनवाया था क्योंकि उनकी शहजादी बोल रही थी कि मेरे तारे तारे जमीन पर आ जाएं। हाँ कि तारे, हाँ जमीन पर आ जाएं, मतलब मूवी वाले तारे नहीं असल वाले। तो उन्होंने क्या किया अंदर और ऐसा एक शीशा लगवाया। हम इंतजामिया की तरफ से यहाँ फ्री 2 मिनट की गाइड, फ्री हिस्ट्री आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सो मच।
चलें ज़रूर। अभी आपको एग्जैक्टली हम बताएंगे कि शीश महल किस वजह से बनाया गया और यहाँ पर कौन कौन है। जी बताइए। आप इस टाइम खड़े हैं शीश महल में और ये 1631 में बना था, शाहजहां ने बनवाया था। सबसे पहले ये गोल्ड पैलेस बना था। अच्छा। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ये गोल्ड पैलेस बनाया। जब मुमताज इसे विजिट करने आई तो उसे रोमांस फील नहीं हुआ। अच्छा। तो उसने कहा अगर आपने मेरे लिए कुछ करना था तो आसमान से सितारे तोड़ लाते। अच्छा। फिर शाहजहां ने ये गोल्ड पैलेस तोड़ा और सारे एशिया के आर्किटेक्ट इकट्ठे किए और उन्हें हुक्म दिया एक ऐसा पैलेस क्रिएट करो जिसमें सितारे नजर आते हैं। यहाँ जब रात को एक कैंडल जलाते हैं तो 5000 सितारों का एक मंजर नजर आता है जो कि आप अभी भी देख सकते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं मैं आपको दिखा सकता। अच्छा। वो सामने अगर आप देखेंगे तो गोल्ड वाटर पेंटिंग्स बनी हुई हैं अभी भी। हिंदू भगवान राधा कृष्णा उसके साथ अनारकली रक्स करते हुए उसकी पेंटिंग है। उसके अच्छा, अनारकली की पेंटिंग जी, अनारकली एक डांसर थी। हाँ जी, आपको पता होगा वो तो शहजादे सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब अकबर बादशाह को मालूम हुआ कि ये डांसर मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवारों में जिंदा भरी कर दी। बहुत जालिम आदमी था। आप इस टाइम खड़े हो 5वें फ्लोर के ऊपर। अच्छा। इसके नीचे 4 बेसमेंट है, 1, 2, 3, 4 और ये जितना शाही किला है 107 सालों में मुकम्मल तमीर हुआ है। चने की दाल और माश की दाल को चक्की में पीस के बीच में मिट्टी गुड़ चूना अंडे की सफेदियाँ और जानवरों की हड्डियाँ पीस के उसका एक मिक्सचर बना के बर्न ब्रिक से इसको बनाया। इतने ज्यादा लोगों को क्यों? आपने एक मुहावरा सुना होगा कि भाई आहिस्ता बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो यहाँ दीवारों के कान है शाही किले के। जब आप कान लगाओगे ना दीवार के साथ आपको ऐसे लगेगा आप आईफोन में एक दूसरे से बातें कर रहे हो। फिर आपको मलिका का 500 साल पुराना सोने के पानी से बना हुआ ब्यूटी पार्लर दिखाएंगे, गोल्ड ब्यूटी पार्लर। सर्दियों का अलग है और गर्मियों का अलग है। इसके अलावा मलिका का एक ताज है जिसके अंदर दुनिया के सबसे कीमती हीरे पत्थर फौजा नीलम यकूत अकीक अभी भी लगे हुए हैं जो जुगनुओं की तरह चमकते हैं। हीरे तो चोरी हो गए, हीरे चोरी हो गए हैं, लेकिन सेमी प्रीशियस स्टोन्स अभी भी अवेलेबल हैं, छोटे छोटे स्टोन्स अभी भी हैं। फिर फांसी घाट बना हुआ है जहाँ फांसियाँ दी जाती थी। शहजादियों का स्विमिंग पूल है वो आप देख सकते हैं। अकबर बादशाह की एक हिंदू बीवी थी जिसका नाम जोधा बाई था। अकबर ने जी अकबर ने उसके लिए सूरज देवता बनाया गोल्ड वाटर से। एक चोरी हो गया होगा, एक अभी भी मौजूद है वो आप देख सकते हैं। आपने एक टांग ट्विस्टर सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह की हवेली है जी, हमें वो भी रिसेंटली पता चला वो आप देख सकते हैं। वो कहते हैं यहाँ महाराजा रणजीत सिंह अदालत लगाता था। महाराजा रणजीत सिंह को फालज हो गया, उसकी डेथ वो ऊपर वाले कमरे में हुई थी। अच्छा। और महाराजा रणजीत सिंह को यहाँ जलाया गया था। जब महाराजा रणजीत सिंह को जलाया जा रहा था ना तो महाराजा रणजीत सिंह की 32 बीवियाँ थी, तो उसकी 4 बीवियों ने उसी टाइम खुदकशी कर ली कि हमारा पति मर गया। कहाँ पर जलाया गया? यहाँ पे। और वो क्या है वो लोग बैठे हुए हैं? वो जो सामने लोग बैठे हुए ना इसको कहते हैं फांसी घाट। यहाँ फांसियाँ दी जाती थी। महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में फांसी नहीं दी गई थी। उसके पीछे आप देख रहे हो एक आर्च बना हुआ है। यहाँ इसके अंदर ऑयल लैंप्स रखने के लिए जगह है, इसको निशीस कहते हैं। यहाँ जब ऑयल लैंप्स जलाते थे ना तो वो नीचे 4 होल नजर आ रहे हैं आपको। होलों के अंदर से पानी छोड़ के जब ऑयल लैंप्स जलाते थे तो आसमान पर रेनबो क्रिएट हो जाता था, फिर वो उसका व्यू किया करते थे। तो हुआ ही ऐसा कि हम लोग अपनी गलत बहुत अच्छी चला रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो फिर अचानक से हुआ ये कि हमें एक गाइड मिल गया और जिन्होंने हमें बहुत बोर किया और हमें डाउन कर दिया। हाँ मतलब डाउन नहीं ना सेंस लाइक मुझे मजा नहीं आ रहा था उनसे सुना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई बहुत ना एक्चुअली हम आपको भी दिखाएंगे उन्होंने मैं बड़े सुहाने ख्वाब खा के कैसे फंसाया और मॉडल ने मेरे पैसे वेस्ट करवाए और जिसका हमें कोई फायदा नहीं। तो मुझे लगा उससे बेहतर ये कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं ना वो ज्यादा। एनीवेज हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, यहाँ पर क्या था ये हमारे पीछे से रास्ता है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता था कि हाथी आया करते थे ऊपर इस रास्ते से। ये रास्ता स्पेशली बनाया गया था आई थिंक बादशाह की सवारी के लिए, कोई भी बादशाह जो आता था यहाँ किले के अंदर वो यहीं से आता था। और अभी लोगों के जाने का रास्ता यहाँ से है, एग्जिट यहाँ से, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है और इवन के मॉडलिंग और फोटोशूट भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब और इसके अलावा अभी हम यहाँ से हाँ फूड स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सामने है फूड स्ट्रीट है, वहाँ जाके बाकी की बात करते हैं। वहाँ पर जाकर हम बाकी की बात करते हैं। गुड बाय।